मैं शहर में अपने मामा के घर रहता था। मामा दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। मामी जवान और खूबसूरत थी। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मामी तो कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि घर आकर ये मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मामी जैसी हो, वह सब भ्रम पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह खत्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल ना रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चल रहा था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी तले मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते 6 महीने होने वाले थे, लेकिन उस 6 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी सादी नजर आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी हैं। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति के बगैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रमेश है। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक गांव से है, और मेरी जिंदगी में वह वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे मोटे नौकरी भी कर ली। शहर में मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस दुबई चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मुलाकात नहीं हुई है, तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाएं। ये सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं, तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराजगी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका था। मामी से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से आधी और बे इम्तहा हसीन और खूबसूरत थी। शायद ये सब मामा की दुबई वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी कि रमेश, ये तो बहुत ही बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम इस तरह हॉस्टल की जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने में 20 दिन बाकी हैं, और तुम्हारे मामा के जाने के बाद ये घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेली किस तरह रहूंगी। बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं, अगर करूंगा तो वो कभी भी मेरी शक्ल
नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी जरूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी का रोग बनने वाला है। 20 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। मामा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैं मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो मामी बहुत उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वे अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं मुस्कुराकर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम नाव्या है, तुम मुझे नाव्या कहकर पुकार सकते हो, मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है, तो मुझे मामी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और वे ठीक ही कह रही थी, उम्र में तो तकरीबन मेरे ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनका नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहती कि रमेश तुम मुझे नाव्या ही कहकर पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें नाव्या कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, वे इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज की कोई फिक्र ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ नाव्या के साथ ही हो गया था। मैं जब तक यूनिवर्सिटी से लौट कर आता तो मेरा इंतजार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी मामा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। मामी को कहीं घूमने जाना होता तो वह मेरे ही साथ जाती, शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता, पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामू जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए हुए पूरे एक महीना हो गया था और उस एक महीने में मैं और नाव्या रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो नाव्या को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि ये नाव्या मेरी मामी है तो उन्होंने बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब नाव्या उन्हें शरबत पेश करके चली गई तो वे कहने लगे कि यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारा मामू कैसे दुबई चला गया, इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़ के कैसे जा सकता है, तुम्हारे मामा को जरा खौफ नहीं आया। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वे लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है, मेरे दोस्त मेरे मामी पर जैसे आशिक ही हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में टाल दिया था, लेकिन रात को जब नाव्या किचन में चाय बना रही थी तो मैं इस्तफाक से कमरे से बाहर पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो नाव्या को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी में चाय बना रही थी, बिना स्लिप की नाइटी में उसकी चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समुन्दर मौजूद था। मेरी नजर में बार बार बहक रही थी। नाव्या को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है रमेश,
अभी तक जाग रहे हो। मैंने फौरन ही अपनी नजर झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका ये कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने नाव्या से कहा कि रात आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर नाव्या ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया है, अचानक ही मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर नाव्या ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मेरे हवाले कर दी। उसकी ये हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे, इसलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी कहीं बदली नजरों का काव्या को तो महसूस नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार ये ख्याल सता रहा था कि नाव्या मेरी मामी है और उसके लिए मेरी ऐसी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी नाव्या का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता है। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को नाव्या से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को नाव्या से बहुत दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। नाव्या भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती और बहुत बात करती। बेचारी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने नाव्या को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपने दुबई की नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी थी। मामा को भी अकेले दुबई में रहते हुए सालों गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें वहां के पैसों की आदत हो चुकी थी और पंजाब वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्त की मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सबके दरमियान एक बेतकलीफ वाला माहौल रहने लगा था। मामी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें, इस तरह उनका दिल भी लग जाता है। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं हद से ज्यादा बिजी हो चुका था। नाव्या अक्सर ही मुझे उस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, ना ही उसे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैं उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे जरूर बाहर लेकर जाऊंगा। और फिर नाव्या की नाराजगी को दूर करने के लिए एक रात में बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात को मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्दी सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर के खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर के खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब 10 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिससे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था इसलिए मुझे बसों के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। मेरे पास घर की चाबी थी इसलिए मैं खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त नाव्या गहरी नींद में सो रही होती है। लेकिन जैसे ही मैं नाव्या के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में झांका तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खोल उठा, क्योंकि वह तन्हा नहीं थी बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था
और उस पर नाव्य की हालत में सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वे दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रचा रहे थे उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। नाव्य हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफा मैंने उसे अपनी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुसन तो जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह नामर्द है। जैसे मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं था, तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं नाव्या, तुम्हें मैं मिल गया हूँ तो मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हें मुकम्मल करता हूँ। तो नाव्या कहने लगी कि वाकई ये मामा भांजे तो सच में नामर्द है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझ पर पूरी तरह नजर अंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की जिंदगी गुजार दूँ। मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का उसे एहसास नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उसके पैसे की नहीं बल्कि उसके साथ की भी जरूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद जब वह मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता इख्तियार करूं। इंसानी खुले लफ्जों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रख दी थी। मैं घर में से बाहर निकल आया था क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि नाव्या गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा नाव्या को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नाव्या जिस तरह उनके एतबार की धज्जियां खराब की थी वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला किया और अपने मामा को फोन कर दिया और उन्होंने बताया कि नाव्या उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी, इसलिए मामा को उसे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मैं नाव्या को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ये बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था कि क्योंकि वह मेरा फायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया था और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद में मम्मी ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो जाए क्योंकि गलती दोनों की तरफ से हुई थी, इसलिए मैं सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। मेरे दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।